हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलो आज का ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं आधे घंटे पहले उठी, मतलब 6 बजे आज मैं उठी और मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है, फ्रेश भी हो लिया है। वैसे तो मन कॉफ़ी पीने का भी है बट दूध है नहीं, तो इसीलिए कॉफ़ी मैं नहीं पीऊँगी अभी। और आज का रूटीन चालू करना है सुबह सुबह पढ़ाई करने का, इसीलिए मैं आज जल्दी उठी हूँ क्योंकि मॉर्निंग ट्यूशन्स मेरे अभी कुछ दिनों से है नहीं, आप जानते ही हो। तो मुझे उठने में थोड़ा लेट हो जाता है डेली। मैं 5:30 का अलार्म लगाती हूँ बट 7 बज जाते उठते उठते। आज बहुत मुश्किल से मैं 6 बजे तक उठी हूँ। तो चलो आज मुझे सबसे पहले तो मैं करंट अफेयर्स का क्लास करूँगी और फिर मैथ्स का क्लास मुझे करना है, जिसमें कि मुझे 2.5-3 घंटे तो आराम से लग जाएंगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं। बट उससे पहले मुझे एडिटिंग का कुछ काम करना है जिसमें कि मुझे मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे। तो सबसे पहले मैं एडिटिंग का काम कर लेती हूँ एंड देन अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है मुझे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस फाइनली एडिटिंग के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। नाउ आई एम फ्री, अब मैं आराम से पढ़ाई कर सकती हूँ। तो अभी कुछ देर में मेरे क्लासेस भी चालू होने वाले हैं। सबसे पहले जब तक मेरे क्लासेस चालू नहीं हो जाते मैं रिवीजन कर लेती हूँ कल का जो भी मैंने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन मैं अपनी करेंट अफेयर्स की क्लास सबसे पहले करूँगी एंड आफ्टर दैट हाँ मैथ्स का क्लास करूँगी। तो चलो क्लास कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। गाइस फाइनली मेरा करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट हुआ और अब मैं आई हूँ लल्ला को उठाने के लिए। तो चलो लल्ला को उठा देते हैं। लल्ला उठ जा बाबू, उठ जाइए। कितने आराम से सो रहे हैं, देखो कितने आराम से सो रहे हैं। प्रभु उठ जाइए, प्रभु उठ जाइए, गुड मॉर्निंग, उठ जाइए। हाथ पैर दबा दूँ जरा। प्रभु उठ जाइए, गुड मॉर्निंग। लल्ला उठ जा उठ जा उठ जा, शाबाश। अरे उठ गए उठ गए, गुड मॉर्निंग, उठ गए लल्ला, उठ गए, उठ गए लल्ला। सबको बोल दीजिए लल्ला, सारे भक्तों को बोल दीजिए गुड मॉर्निंग भक्तों, गुड मॉर्निंग प्यारे भक्तों, राधे राधे भक्तों, बोल दीजिए लल्ला राधे राधे भक्तों। चलो गाइज अब लल्ला का थोड़ा सा बिस्तर वगैरह अच्छे से समेट देती हूँ मैं। चाय गाइज, दूध नहीं था इसीलिए पढ़ते वक्त इतना नींद आ रहा था क्योंकि कॉफ़ी या चाय नहीं पी पाई थी। अब जाकर के मैं अभी दूध लेकर के आई, अब जाकर के थोड़ा ठीक लग रहा है। चाय पीने के बाद तो बहुत नींद आ जाती है यार। तो गाइज़ ये मेरे आज के करंट अफेयर्स वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं एंड देन मैंने मम्मी आवाज़ कम करना मम्मी हाँ तो मैंने आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद फिर मैं चाय पीने गई थी जैसा कि आपने देखा था और अब बारी है, ये देखो मेरा स्टडी टेबल और अब बारी है मैथ्स का क्लास स्टार्ट करने का, बिकॉज टाइम हो चुका है 10 बजे से मैथ्स के क्लासेस होंगे। तो चलो फटाफट से मैथ्स की क्लास कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइज मैंने नहा लिया है और पूजा भी कर लिया है, लल्ला को भी भोग लगा दिया है और यहाँ पे मम्मी अभी ब्रेकफास्ट का तैयारी कर रही है। लल्ला का प्रसाद है जो मैंने लल्ला को खिलाया, उसे हमने थाली में ले लिया है। चटनी है धनिया पत्ती और टमाटर की और आज बन रहे हैं आलू के पराठे और लल्ला ने भी आलू के पराठे और चटनी खाए बड़े मज़े से, एकदम मस्त मज़ा आ गया लल्ला को भी और अब हम भी मज़े लेकर के भोजन करेंगे। काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी हुई है तो अभी बस मम्मी ब्रेकफास्ट लाएगी तो हमें खाना है। चलो खाता अब भोजन मतलब ब्रेकफास्ट आएगा तब फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस तो हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, साथ ही में यहाँ पे रसगुल्ला है जो कि कल कान्हा जी को हमने भोग लगाया था तो आज हम वो भी खाएंगे, ये कान्हा जी का प्रसाद है। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
तो गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और मैं वापस से अपने स्टडी टेबल पर आ चुकी हूँ पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी कॉपीज निकली हुई है। तो मैंने सुबह करंट अफेयर्स और मैथ्स के क्लास कंप्लीट कर लिए थे। अभी मुझे करना है, अभी मेरे पास ट्यूशन, मैं 3 बजे जाती हूँ तो अभी मेरे पास 2 घंटे हैं। ठीक है, 2 घंटे हैं, 2:30 बजे तक मैं पढ़ लूँगी, 2 घंटे हैं मेरे पास। तो मुझे मैं पॉलिटी, और आज मेरे रूटीन में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ने का, तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स मैं अभी कर लेती हूँ, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की क्लास। फिर बच जाएगा मेरा क्या बच जाएगा इसके बाद, फिर शायद स्टैटिक जीके और PYQ बच जाएगा। तो ये दोनों अगर अभी पॉसिबल हुआ तो मैं कुछ भी दोनों में से एक कर लूँगी। इफ़ अगर पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है नहीं हो पाएगा, 2 घंटे में मैं सिर्फ पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ही कर पाऊँगी, तो फिर मैं रात को ट्यूशन से आने के बाद अपना स्टैटिक जीके कर लूँगी, फिर PYQ कर लूँगी, एंड देन लास्टली रिविज़न कर लेंगे आज का पूरे दिन मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो चलो फटाफट से पॉलिटी और इकोनॉमिक्स कम्प्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जाना है ट्यूशन। गाइस ट्यूशन जाने का टाइम हो चुका है, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ जैसा कि आप देख सकते हो। और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी, क्योंकि आज सुबह ही मैं उठी थी ना तो नींद आएगी पढ़ाते पढ़ाते। ऐसे जनरली मेरे साथ होता है कि पढ़ाते पढ़ाते मुझे थोड़ी नींद आने लगती है, और नींद आने लगती है ना फिर पढ़ाने में मन नहीं लगता है, मेन इशू यही है। तो इसीलिए घर से कॉफ़ी पी कर के निकलो तो जैसे फ्रेश फ्रेश लगता है, बढ़िया रहता है, पढ़ाने में भी मन लगता है। तो इसीलिए कॉफ़ी बन रही है। 3 बजे जाऊंगी मैं, 3 बजे से लेकर के 9 बजे तक मेरे क्लासेस है। 9 बजे मैं घर आऊँगी, ट्यूशन में ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ जैसा कि आप लोग जानते हो, बट इफ़ अगर थोड़े बहुत क्लिप्स देखने को मिले तो ठीक है, नहीं तो शायद नहीं भी देखने को मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मैं भी अभी नहीं जानती हूँ कि मैं शूट कर पाऊँगी कि नहीं। वैसे ना मेरा स्केड्यूल बिजी है, इस वजह से मैं ज़्यादा घर पे भी पढ़ाई को लेकर के ना मैं ज़्यादा व्लॉग में शुरू, आप सोचते हो कि बहुत छोटे छोटे क्लिप्स दिखाती है, ज़्यादा वीडियोस नहीं रहते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स रहते हैं सब चीज़ों के, इसलिए क्योंकि मेरे पास एक मम्मी का फ़ोन है तो उसका कैमरा उतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, और सारे पढ़ाई से रिलेटेड सारे ऐप्स क्लासेस मेरे फ़ोन में ही होते हैं, तो एक ही फ़ोन है मेरे पास जिससे कि। गाइस मैं निकल चुकी हूँ ट्यूशन जाने के लिए, रास्ते में हूँ, पता नहीं आगे शूट कर पाऊँगी कि नहीं, कोई भरोसा नहीं है, देखते हैं। बस पहुँचने वाली हूँ मैं, थोड़ा दूर है ये वाला ट्यूशन, बाकी सारे ट्यूशन्स घर के आसपास है, बट मुक्को का घर जो है ना थोड़ा दूर है मेरे घर से। सी यू। एक ट्यूशन कंप्लीट हो गया मेरा, अब मैं अपने सेकेंड ट्यूशन जा रही हूँ। देखो मुक्को आ रहा है, कौन आया? मुक्को आ गया। बोलो बोलो, हेलो गाइस। हेलो गाइस, क्या खा रहे हो मुक्को? डेम्प। डेम्प मेरे पापा पूरा डब्बा लाए हैं। हाँ। Hey guys, finally I'm back home. It's 9 o'clock. बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। फाइनली सारे ट्यूशन कम्प्लीट हुए, आराम से घर आके मैंने ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया है, और आते के साथ सबसे पहले मैंने लल्ला को भूख लगाया है, लल्ला को मैंने भोजन करा दिया है। लल्ला को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो अब चलो अब मेरे पेट पूजा करने की बारी है, क्योंकि मुझे ना लल्ला से भी ज़्यादा ज़ोरों की भूख लगी हुई है, इतने ज़ोर की लगी है ना, और ऊपर से मम्मी बना रही है पनीर के पकौड़े, आए मज़ा आ जाएगा खा करके। तो चलो फटाफट से खाना वाना खा लेना है, फिर मुझे थोड़ी देर पढ़ाई भी करनी है। थोड़ी देर क्या, मुझे काफ़ी सारे क्लासेस अभी कम्प्लीट करने हैं, सुबह मैंने आपको बताया ही था। तो गाइज खाना पीना हो गया है, और थोड़ी देर मैंने ऐसे ही रेस्ट किया आधे घंटे, अभी 10:30 बज रहे हैं, 9 बजे तो मैं घर ही आई थी, तो थोड़ी देर मैंने रेस्ट, खाना पीना खा के रेस्ट किया, एंड देन अभी 10:30 बज रहे हैं, अभी मैं आई हूँ पढ़ाई करने के लिए। देखो मुझे उबासी आ रही है अभी से, बाप रे पता नहीं कैसे पढ़ूंगी, लेकिन पढ़ना तो आज पड़ेगा, क्योंकि मेरा आज का रूटीन का जितना भी चीज़ था उसमें से एक दो चीज़ बच गया है कंप्लीट करना, तो मुझे अभी करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो अभी से कम 12-1 बजे तक तो पढ़ना ही होगा, फिर सुबह उठ करके पढ़ूंगी। तो चलो अभी पढ़ाई कर लेते हैं, और साथ ही में यहाँ पे ये वाला व्लॉग भी मैं एंड कर देती हूँ, बिकॉज ऐसे चांसेस है कि मैं पढ़ते पढ़ते ही कहीं सो ना जाऊँ तो व्लॉग एंड करना भूल जाऊँगी मैं, तो दिक्कत हो जाएगी।
या तो फिर पढ़ते पढ़ते ना भी सोऊं तो पढ़ाई करने के बाद मैं बिना शूट किए डायरेक्ट सोने चल जाऊं बिना व्लॉग एंड किए, इसके भी चांसेस हैं। तो इसीलिए इन सब चांसेस को हटा देते हैं, ऐसा होने का नौबत ही नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैं व्लॉग अभी एंड कर देती हूँ। वैसे भी अभी कुछ खास मैं करने वाली हूँ नहीं, सिर्फ पढ़ाई करूँगी और डायरेक्ट जा कर के सो जाऊँगी। लल्ला को मैंने सुला दिया है और बस और क्या। तो चलो आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस वीडियो को लाइक कर देना। कीप सपोर्टिंग यू गाइस। ओके बाय बाय, गुड नाइट।